الحمد لله الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا سے بلند تمام صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا إلهي بحق بني فاطمة برقال ایمان کنی خاتمہ گر دعوتم رد کنی والقبول منو دست و دامان آل رسول بعد از حمد و صلاۃ انتہائی عزت و احترام دلائق زینت محفل زینت السادات جناب پیرزادہ سید عابد حسین شاہ صاحب زیب سجادہ آستان عالیہ حیدریہ جلالیہ بیربل شریف مخدوم و محتشم قابل صد تکریم و تعظیم
जनाबे कारी अहमद नवाज चिश्ती साहिब इमाम जामे मस्जिद हाजा दीगर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए कराम कुर्रा हजरात काबिले कदर मेरे बुजुर्गों और अजीज नौजवान साथियों अज दी इस बाबरकत महफिल दी सआदत मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे बरादर अजीज जनाबे सैयद इब्रार हुसैन शाह साहिब उन्होंने भाई जनाबे अहमद शाह साहिब अहमद बिलाल शाह साहिब अपने वालिद ग्रामी दी रूह दे इसाले सवाब वास्ते सालाना बरसी दे इस मौका दे उत्ते अज दी इस महफिल पाक दा इहतमाम कीता गया। उस पाक रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर करोड़ा मरतबा इल्तिजा है कि मेरा मालिक सदात दे इस घराने दे इस चश्मो चराग दी जिस दी के रूह दे ईसाले सवाब वास्ते इस महफिल पाक दा इनेकाद कीता गया। मेरा मालिक सदका पंज तन पाक दा सदका सोने नबी दी आल दा उन्होंने दराजात बुलंद फरमाए रब्बुल आलमीन उन्होंने कबर दे उत्ते करोड़ हा रहमत और बरकत दा नुजूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां नेक हस्तियां दा सदका मेरे और जनाब दे सब दे सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ फरमाए। माशाल्लाह बीरबल शरीफ दे अंदर जिस वक्त भी कुछ बयान करन दा रब्बुल आलमीन मौका अता कर दें तो मैं हमेशा कुरान मजीद फुरकान हमीद दी इस आयत दा सहारा लैंदा हुन्ना कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह ये मेरे रब दा फजल है युती ही मैं यशा जन चावे अता फरमाए यानी अल्लाह ताला दा फजल एक खास चीज है और जिन्हों चाहे वो अता करदा। इस तरह के तीसरे पारा के अंदर फरमाया ना कि यख्तसु बिरहमति ही मैं यशा उदी हर चीज जड़ी है ना वो अपनी मनशा नल खास है जन चावे जदन चावे जिस वेले चावे अता फरमा सकदा। हजीन मोहतरम एक शख्स कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जिक्र और फिक्र दी तौफीक अता फरमाई जिदे ध्यार दे कुछ लम्हे अल्लाह ताला दी याद दे अंदर बसर होंदे ने तो वह भी उसकी रहमत खास दे अंदर शामिल है। हुण वेखो ना तुसी अल्लाह ताला दे घर च आए बैठे हो तो तुसी भी अल्लाह ताला दी रहमत दी छां दे अंदर हो लेकिन महसूस इंज होंदा बई जिवें कदें घरों जिहड़ा ते या लड़ भिड़ के आए हो ते या कोई इस प्रोग्राम विच भाई मौलवियां दे सामने बोलना नहीं खैर असी तो सामने एडे हाँ ही कोई ना तुम अद साढ़े नाल काले थाई रहे खेडे जिथे सादात कलाम ने बड़े बड़े नामी ग्रामी मौलवी बुलाएन वह भी अखीर चीखते मुड़ गए मन गया ब जमी जुम्मत न जुम्मत गुल मुहम्मद नहीं हिले तबीर बाल आले नहीं हिले तो ये भी अल्लाह का फजल है जे अल्लाह ताला जबाना ते सुबहान अल्लाह का कलमा जारी फरमावे हूँ जेड़ा जेड़ा बंदा समझेंदा ना जी कि मैं अल्लाह के फजल शामिल बैठा और इस चीज को अपने वास्ते सआदत समझदा खुशबख्ती तो बेशक बोले एक दफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पुत्रों तुसा जेड़े चार पांच बह के कोई गप्पा शप्पा पे मार दियो जरा हुण परहेज करे ठीक है गप्पा अल्लाह दे फजल च नहीं है क्योंकि खुदा दे घर च बह के जेड़ा गप मारे ना उहदे 40 साल दे नेक अमाल जाया होंदे ने तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस है ठीक है इत्थे बह के बेहतर के भी तुसा की आखना है सुभान अल्लाह। सुल्तानी साहब माशाअल्लाह बड़े रंग नाल सुल्तान बाहू साहब दे बैत पे पढ़ते आए थे सुल्तान बाहू साहब दी बैतां दे विचों एक बैत दा एक हिस्सा है फरमांदे ने एक जागण पर जाग न जागण ते कहीं जाग दियां भी सुते हो ये उन्हां शेर दी सूरत तुहान समझाया है ब कहीं तुहाडे जे मसीती आ वड़दे ने ते मसीती बह के उन्हां नूं पता नहीं लगता बई इत्थे करना की वे ये आ पै दें बई जागदा जे बैठा ते बैठा भी अल्लाह दे घर इत्थे बह के तो जिक्र कर हाँ माशाल्लाह चलो बात भी है कोई हाँ हाँ जाग दिया जाग दिया यार वारी वारी ने सारियां चुनना तो माशाल्लाह इसनू मजाक च ना लाओ आए जे बैठे हो रब्बुल आलमीन ने कुछ घड़ियां अपने घर के अंदर बावन की तौफीक अता कर जी दी है और मेरे करीम की हदीस है सरकार ने इरशाद फरमाया कि अल मोमिनु फिल मस्जिद कसमा के फिल मा
ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਲੀ ਪਾਣੀ ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਇਵੇਂ ਮੋਮਿਨ ਮਸਜਿਦ ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਕੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਿਸ਼ੱਕ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇੱਥੋਂ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਏ ਔਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਬਸ ਇਤੋਂ ਨਕਸਾਂ ਬਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਸੋ ਚਾਲ ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟੇ ਬਸ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਥਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਾਥ ਖਾਨ ਪੜਾ 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 ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਰਾਤੀ 10-10:30 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਸ ਮੌਲਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਚੂੰਡੀਆਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਗਾਉਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਢਿੱਲ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਨਾਥ ਖਾਨ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਚਸ ਕੀਤੀ, ਮੌਲਵੀ ਇੰਝੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਅੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਉਬਾਸੀਆਂ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂਲ ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਕਾਬਤ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਕੇ ਤਰੇ ਤਰੇ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੈਤ ਪੜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਟੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੱਕਾ ਔਰ ਉਸ ਭਾਗ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਕੀਬ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜੇ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਣੇ ਦੀ, ਮਰਦ ਦੀ। ਮਰਦ ਤਾਂ ਮਰਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ। ਬਸ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਆਖਣੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਨੇੜੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤਵੱਜੋ, ਮਰਦ ਮਰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਮਰਦ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆਕੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਬੋਸਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਟਨ ਲੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਸ਼ੈਸਾ ਚੋਖਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਕਬਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, 4-5 ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਰਦ। ਬੋਲੀਏ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਰਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਦ ਆਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਦ ਕਾਠ ਸੋਹਣਾ। ਆਦਿਨ ਵੇਖ ਯਾਰ, ਗਲੀ ਟੁਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਣੇ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਹੈਂਜ ਹੋਵਨ, ਮਰਦ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਹੈਂਜ ਹੋਵਨ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੈਸੀ ਸੋਚ ਵੈਸਾ ਨਕਸ਼, ਵੈਸਾ ਤਸੱਵਰ, ਵੈਸਾ ਖਿਆਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਰਦ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬੇ ਦਰਦ। ਬੋਲੀਏ ਸਾਹਿਬੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਖੜੀ ਆਲਾ ਬਾਬਾ, ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਪਵੇ ਤੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਆਵੇ, ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਜਣ ਦੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਆਣ ਜਗਾਵੇ ਮਰਦ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਬੋਲੀਏ ਬੋਲੀਏ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਕੌਣ ਹੈ? ਮਰਦ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 5-6 ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਲੋਕੇ ਚ ਰੱਥ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਗਰ ਬਹਿ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
क्या बात है उन्होंने। कुरान भी कुछ मर्दों का जिक्र करता। जहां जी बड़ा काबिले गौर मौजू है जनाब न जनाब दी यानी कि तवज्जो और किबला हाफिज साहब और मेरे अजीज जड़े तुलबा बैठे ने। मैं तो थोड़े तो सारे तो नहीं मैं इंजे बसन थोड़ी ना लफ्ज जोड़ छोड़ के तकरीर वाल बना लेंदा। बाकी एडी गल नहीं है, तवज्जो है ना तुहाडी। हाजी ने करामी आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम के अंदर कई मर्दों का जिक्र फरमाया, बड़े शान नाल, बड़े ठाठ नाल उन्हां दी इज्जत तो अजमत दे चर्चे बुलंद फरमाए। दोस्ताने जी वकार जनाबे लुकमान मर्द भी है, साहिबे दर्द भी है, नबी नहीं, रसूल नहीं, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिकमत अता फरमा रखी है ते एडा सियाणा, एडा सियाणा, एडा अल्लाह ताला दी बारगाह दा मकबूल कि मेरे रब्बुल आलमीन ने ना सिर्फ कुरान अंदर जिक्र फरमाया बल्कि 21वें पारे अंदर पूरे नाम दी एक सूरा बयान फरमाई। जरा सुभान अल्लाह। ओ मौलवी भी नहीं जेड़ा कन्ने ते हाथ रख के दौड़े देसी ते चस देसी ते चस लैसी नहीं, इत्थे होर जिहा सवाद मिलसी जनाब नूं। तवज्जो है ना, हाजी ने गरामी आओ तवज्जो दे व्याए, हर हर गल ते तवज्जो ते गौर करे आए। कोई गल रह गई मजूज़ेन चो निकल जाएगा मर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लोगो वेखो मेरे लुकमान नूं, लुकमान दा जिक्र कुरान अंदर केवे अपने बेटे नसीहत फरमा रहे, ओ मेरा बेटा जे रब दा बन के राणा चाहना, रब दा हो के राणा चाहना है, जिंदगी इन्ना नसीहत दे मुताबिक गुजारे। किबला शाह जी चूंकि जनाब दे वाले दे गरामी दी आज बरसी है, एक नसीहत आई अनिश्कुरली वले वालदई, तवज्जो दे व्याए। फरमाया गया अल्लाह दा शुक्र अदा कर, रब दे शुक्र तो बाद थैंक यू माई जानू नहीं, थैंक यू माई टीचर नहीं, थैंक यू माई फ्रेंड्स माई जिगर्स नहीं। रब्बुल आलमीन फरमाया तवज्जो दे व्याए, अज प्यो मां मर जावे बड़े खर्चे ते बड़े चर्चे बड़े कुल ते बड़िया रोटियां, ओए मर गया है जींदिया तो तू सामने होए होए कोई ना। मेरे ख्याल कुड़ी गए हो, अल्लाह करे शाला तुसी कुड़ी हो ते तुहानू मेरी गल समझ आवे। जींदिया किदे आए तैनू ना दी हयाती अंदर ख्याल नहीं आया, आज तू दुनिया वेखेंदा पिया ते गोशत दियां देगा पकाइया। मेरी जान सुन, रब्बुल आलमीन फरमाया ओए मेरा शुक्राना अदा करन वाले जे तू चाहे मेरा अपना शुक्राना कबूल करा, यानी तेरा पड़िया शुक्राना मेरी बारगाह अंदर कबूल होवे। ओदा इको एक तरीका है केड़ा मेरे अल्लाह, फरमाया वालिदैन दा शुक्राना अदा कर, ए अदा करना तेरा काम है, अपना शुक्राना कबूल करना मेरा काम है। तवज्जो नाल जड़े बैठो सुभान अल्लाह बोलो। हाजी ने गरामी गौर करया है, अर्ज करया मेरा ये मौजू नहीं लेकिन समझा रहा, तवज्जो मर्द ओ नहीं जेड़ा बाप मरे ते कुल चंगा पड़ावे, वो मर्द नहीं जेड़ा हर साल बाप के नाम की महफल करवावे, नहीं मर्द होवे जिले बाप दे आखरी साह होवे, बाप बेटे ने वेख के आखे मेरा बच्चा मैं दुआ जहाना नर तेथों राजी हो के कायनात तो जा रहा मर्द। ये पिछला डरा में बाज नाराज तो ना हो गए,
अच्छा गल ठीक है जी। आ जेड़े वेले तेरे बाप नू पानी लोड़ आउंदा ई उस वेले तू किथे आए, जिस वेले तेरे बाप नू दवाई दी लोड़ आई तू आता मैं तुहाडे वास्ते कमेंदा पिया या अपने बच्चियां वास्ते। उस वेले क्या तन बाप याद नहीं आया, ओ सिसक दे कायना तो टुर गए। आज लोकन रचेंदा खड़ा कोई ए ना के रोटी चंगी ना उस दित्ती कुलखानी दी। फरमाया लोगो मर दे नहीं मर तो गए, जिसने जींदे जी अपने वालिदैन राजी कीते। जिन्हों गल पसंद आई सुभान अल्लाह बोले, जिसने जींदे जी के कीते अपने वालिदैन बोलिए राजी कीते। तवज्जो दे आए अज लखां दे नहीं तो हजारां दे सेब फरूट कटी के आए। ओ इस नालों बेहतर आई जे कर तेरा वालिद मकरूज आई ओदा तू कर्जा अदा करिया। सेबा वाला मर्द नहीं बल्कि मरण तो बाद बाप दा कर्ज अदा कर देन वाला मर्द कहलाएगा कुरान दी रूह नाल। जिसने अपने निक्के भरावां दे सिर ते हाथ रखिया भेणा समझिया अज मां ते बाप तुर गए साडे पेके मुक गए। ओ मर्द नहीं है मर्द होवे जिस भेण ने आखिया मेरी हमशीरा ए न समझे बाप गया मां गई अज वेड़ा खत्म हो गया पेके मुक गए। नहीं नहीं मेरी भेण अज भी मेरा दरवाजा तेरे वास्ते खुला है। बच्चियों तुसी तो हाथ चाह के जरा सुभान अल्लाह कहो। हां है तवज्जो एक कुछ हका एक मर्दो नहीं जिसके बारे दुनिया के यार बड़ी वड्डी कुलखानी बड़े वड्डे मौलवी शोलवी ते नाथ खान। नहीं मर्दो वे जिसने किसे नु दस्या भी कोई ना बाप दे कर्जे उतरेंदा रहा ते पुत्तर वंडन बह गए ऐश है मेरी ऐ मेरी। वंडन वाला मर्द नहीं चंद गल ना पहले हिंदर तवज्जो नाल सुन लो। हाजी ने गरामी तवज्जो दो तेरे बाप ने तेरे वास्ते क्या कुछ नहीं कीता। आज जिस मकाम ते तू खड़े गौर कर फिकर कर सोच। तू बीर बल शरीफ पढ़न आंदा है तीन महीने का खर्चा जड़ा मिलता ही क्या कदी ते सोचिया के तेरे वालिदैन ने कितों कमाया किवें लेके आए। लेकिन तेरे संगियां दे सामने तेरा सिर झुका नहीं होण दिता। एक बेवकूफ मैं पिया के जी मेरे वालिदैन मेरे वास्ते के कीता। मैं गुरबत च पलिया मैं घर गया कदी कोई मेरे पैसा नहीं मिलिया। मैं आख्या मैट्रिक कीते जाने कीते मैं सनद लिया ले आया मैं पढ़ उत्ते कहंदा ना है जी मेरा। मैं आख्या तल्ले कहंदा ना है जी मेरे बाप। मैं आख्या ओ खुदा के बंदे इतना सोच तू आता तेरे बाप का कोई एहसान नहीं क्या ए एहसान क्या थोड़े आज तू इस नाम दी वजह तो हलाली कहलाए। के कहलाए हलाली वगरना चिन्ह ते बाप ना होवे क्या एहसान थोड़े कि उन्हें तेन अपना नाम दिता मुआशरे विच तेन एक मकाम मिलिया वो नाम तेरे नाल लगा लोका क्या हला लिए। बोलो केवे ओ बोलो केवे हला लिए हला ली हाए तथा सजदा दी महफल च भी आए हो तुहन समझ नहीं आई शुक्र है समझ नहीं आई। आओ अगे चलिए आइए मर्द तवज्जो दो
हाजी ने गरामी मेला लगया मेला कौम सारी तुर गई मेले थे वापस आए केवे दिन सारे बुत टुटे खड़े सारे बुत टुटे खड़े जेड़ा विचकार वड़े उते मोड़े ते कुलाड़े हैरान हो गए कै तोड़े ये साडे खुदावां नाल ज्याती कौन कर गया एक कै कीता ढूंढो बंदा ढूंढो शाही ऐलान होया तवज्जो दियो मर्द कौन है कुरान रब दा सत्तरवां पारा चौथा रकू फरमाया गया कालू समयना फतन युकालु लहू इब्राहीम एक कहना कम में एक कहनी जुर्रत है कि साढ़े खुदामन तोड़े एक कौन कर गया ढूंढो बंदा विचों बोले लगता है कालू समयना फतन असा एक सुनिए मर्द बारे कौन है मर्द जवान सुनिए युकाल लहू इब्राहीम जिदा ना केवे इब्राहीम बुलाओ बुलाए गए आए पूछा गया ए तै कीते ए तै तोड़े फरमाया ओए मैं तो क्यों पूछ दे ओ बड़े चौधरी को ना पूछो एक कब्जा माफिया जेड़ा विचकार एडी जा घेरी खड़ा कुल्हाड़ा मोटे ते रखी खड़ा एदे कोलो पुछो के एदे निकियां निकियां खुदावां नाल ज्याती कौन कर गया है जवाब आया ए तां बोलदे कोई नहीं ए तां सुनदे कोई नहीं तुसी तां बोलदे सुनदे हो ना अच्छा माशाल्लाह सुनदे भी बैठे हो ते बोल भी सकदे हो जरा सुभान अल्लाह बोलो हाजी ने गरामी नए बोल दिल नए सुन दिल उत्थे मर्द बोलिया आय हाय हाय साहेबे दर्द बोलिया ओए लोको सुनो यही तो मेरा दुखड़ा है यही तो मेरा दर्द है यही तो मेरा पैगाम है कि इन्हां नूं क्यों मनदे हो इन्हां नूं क्यों पूछदे हो जदन सुनदे कोई नहीं समझेंदे कोई नहीं बोलते कोई नहीं ना नफे दे ना नुकसान दे आओ हिक्के 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 हिक दी दम दम छिक्के छिक किथे हुंदी है दर्द वाला हिक्के 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 हिक दी दम दम छिक्के जेड़ा हिक को डू कर जाने वो काफिर है मुशरिक के वो ए गल तो समझा बनाया ए ता खुदाई पैगाम है ए मेरी नबुवत का दर्द है समझो इन्हन के कर दियो के कर दे हो इनल आओ उनू मनो जेड़ा सुनदा भी है जेड़ा तकदा भी है ओ जेड़ा वलदा भी देंदा वलदा भी बुतखाना एक बंदा बैठा आखी जावे या सनमी या सनमी या सनमी करेंदे करेंदे निकल गया या करीमी میں نکل گیا رب العالمین ارشاد فرمایا جبریل جی رب پہ چلی اوے جلدی جلدی جا
मेरा बंदा मैन बैठ के याद पिया कर रहा, जा पुछ उन्हों केड़ा काम है मेरे नाल, पता दसिया गया, एड्रेस समझाया गया, जनाबे जिब्रीले अमी आए, शहर महला गली ते जड़े वेले मकान तकिया, हैरान परेशान ते शशदर रह गए, मेरे पाक अल्लाह बंदा तेरा ते बुतखाने होवे तेरा ते बुतखाने तेरा होवे आ, तेरे घर होवे आ, बोलिया है आ, बोलिया है सुभान अल्लाह, तेरा होवे आ तेरे घर होवे आ, ए मेरे पाक अल्लाह तेरा ते बुतखाने, लेकिन सवाल दी जुर्रत नहीं, पहले काम कर, जिस आए जिस वास्ते हाजिर होए, आखन लगे होए ते बंदा बैठा बुत दे सामने, पुछिया ओए दसा ते रब नू याद कीता, खैरे केड़ा काम ही अल्लाह दी जात नाल, आदा तू तेरा रब केड़ा, फरमाया आओ मेरा रब तू कौन है, फरमाया 1,24,000 पैगंबरां कोलो रब दी पैगाम रसानी करने वाला जिब्रील, ओ जिब्रील तू ते मेरे कोल, फरमाया मैं ता रब भेजा, फरमाया के अस मेरा बंदा मैं याद बैठा कर दे, जा पुछ तेरा कम है, उस वेले बंदा रो पिया, आदा मैं ता भूल के जिनू आदम जबान थिड़क गई, याद अपना पुत पिया कर दोस ओ दा नाम चवी गया, ओ मैं ता भूल के याद कीते, जवाब आया जिने मर्जी ते याद कीता, ओ सोना लजपाल तुसी भी आखो जो बोल के सुभान अल्लाह, तुहानू भी याद फरमाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। बायजीद दी किबला हाफिज़ आए महफिल सजी, सवाल होया बाबा तू सुने बड़ा सुल्तानुल आरिफीन ज़ुब्दतुल आरिफीन, बाबा दस हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर आप दे बारे भी आंदा, मुरीद बैठे आए हुजूर कुतबुल आलम हदीस दे तफसीर दे फिक्र दे माहिर, दसो अल्लाह के प्या करता इस वेले, आपने फरमाया फरीद 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 प्या करता है, के प्या करता है फरीद 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 पिया कर रहा है, उन्हें क्या बाबा चंगा रहा अपना ही ना चाहे, ओ बाबा तेन की ने पता लगा के फरीद फरीद पिया कर रहा है, फरमाया लोगो मैं गल अपने कोलो नहीं की थी, मैं कोई डब्बा मलंग शलंग नहीं, सुनो अल्लाह का प्यारा पाक कलाम है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुसी मैं याद करो मैं तुहानू याद करे सा, फरमावन लगे लोगो मेरा दिल अल्लाह 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 पिया कर दे, ते मेरा रब सोना बदले विच फरीद 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 पिया कर रहा है, जो है ना सुन दे बैठे हो ना सारे, अल्लाह हू अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, नारा बड़ा प्यारा तुसा लाया, मन बड़ा पसंद आया, अल्लाह ताला थोड़ा जौक सलामत रखे, मैं इन नारे की एडी लोड़ नहीं, जितनी सारी मैं करनी ना वो मैं बगैर नारे की भी कर, नारा ऐसा लगे ना जी सारे बोलन ना बात चास्ते,
तुसा अपनी मोहब्बत विखाई, थोड़े नाल आले भी नहीं बोले, मैं थकी बैठो थे कहीं करके बैठो है। तो इस को जरूर नालो चुप चंगी है, तवज्जो है जनाब दी। हाजी ने गरामी अर्ज के कर रहा उस अल्लाह ताला नु याद करना, फरीद फरीद तवज्जो है, सुनो अगली गल सुन आए। हां भाई दस केड़ा काम नहीं, मेरे ख्याल तुसी भूल गए, ते जे तुसी भूल गए तो असि रुल गए। ये वाकई याद आए बगल इतने वधी, मैं एक जगह तकरीर ते गया, तैयार सुल्तानी बाबा खड़ा हो गया तकरीर जाकर, कहने मौलवी पुत्र आज दो मसले अधूरे छोड़ दिते नहीं, ऐसा लगान दे इलाका ही मेरा दिल की, तो मैं शाहपुर जुम्मा छोड़ के जुम्मा ही था ही पढ़ाया करा, कम अज कम गल सुन देता ही याद तो रख दे। तवज्जो है ना, ओ बोल केड़ी शय दी तलब है। उस वेले उदी अखां विचों आंसू आ गए, आधा 60 साल मेरी उम्र हो गई, इन्हां पुत्तां नूं याद कर दे, अज तक कदी वलदा नहीं आया, कदी सुख दा सनेहा नहीं आया, ओ कदी प्यार भरा जवाब नहीं आया, कदी सनेड़ा नहीं आया, हिक ओए जिन्हूं भूल के याद कर बैठा, पुछदा बैठा सुना केड़ा कम पै। ख्याल शेर पानी सुनावा पर इंदू वाले नहीं उदू वाला सुना ना, से साबित रख ईमान मदा, फिर समूल न जे ताई जींदियां मैं, तले नदी वहे इश्क माही वाली, ओए बैठी झोल प्याले पींदियां मैं, इन्ना लोका नुकी पहचान मेरी, बैठी अपने पाड़े सींदियां मैं, अली है दरशा शारा वे घर में दे, ओ जेंदे रुख डिठिया बैठी जींदियां मैं। जागे हो पर बड़े लेट जागे हो, तुसी हुण जागे हो, साढ़े कूच दा वक्त करीब आ गया, शाह जी पौना घंटा गुजर गए ने। अच्छा खैर चलो जी हुण बैठे दिया, मैं कोई वेंदा तो कोई टेस्टर ला के चेक कीता, बस जी करंट पूरा है। अच्छा माशाल्लाह, क्योंकि तुसी यूपीएस ते चल रहे हो, डायरेक्ट वोल्टेज नहीं आ रही, तवज्जो है ना जनाब दी। हाजी ने गरामी सुनो अर्ज के कर रहा, हां दसा बोल केड़ा कम पे गई। ए नहीं बोले 60 साल नहीं बोले, अज मैं भूल के या ओ बच्चे चनुए तेरे नाल मैं स्कूल दा मास्टर नहीं आई तेरी जान रखी। तवज्जो आराम नाल बो, हाजी ने गरामी नहीं बोले, ए अकल नमरूद दा दरबार है, एक मर्द खलोता है मर्द डणा जेड़े खैर अगे झुक जावे, जेड़े खैर अगे झुक गए मर्द नहीं आंदे, जने नहीं आंदे, जेड़े रब अगे झुके अल्लाह करे तेन समझ आवे, जेड़े रब अगे झुक गए वो मर्द कहलाए, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। शाह नसीरुद्दीन नसीर बोले, कौन समझे कौन जाने, कौन समझाए नसीर, आप ही तो माबूद की जो गुफ्तगु सजदे। सुभान अल्लाह, तुर पयो, तवज्जो है ना। हाजी ने गरामी जरा तवज्जो नाल सुनो और गौर नाल मेरी बात सुनो, जेड़े ओते अगे झुक गए
दुनिया के बादशाहों के सामने सीना तान के खड़े हो गए, उन्हें सिर निभाए कोई ना कुरान उन्होंने आधा मार द। बोलिए उन्होंने क्या था? ओए बोलो बोलो क्या था? मार द। जनाबे खलील बोले ओए लोगो सुनते कोई नहीं, ए वल्दा नहीं देंदे, ए जवाब नहीं देंदे। आओ उदा एक बार ना चाहो दावारी बदले अंदर फरमेंदा हां दसा हां दसा हां दसा ओए है कोई ऐसा प्यार करने वाला। आइए फिर मंजर बदलिया, मंजर बदलिया। दसवीं हिजरी मेरे करीम आका आप तशरीफ लेके आए मक्का, हुजूर ने मक्का फरमाया फतह। एक मर्द की दास्तान सुनो, मैं गड्डी होलो लेना जी अड्डे ते ले आना, तुम बड़ा सवाल दस। मेरे करीम पेशी का वेला करीब आया, सरकार फरमाया अली अली जी आका। उन्हां आए मेरे मोढ़ियां ते चढ़ अंदर लेटे विच्चों सफाई हो गई। एक सब तो वड्डा स्टील दियां डंडियां नाल काबे दी छत ते कब्जा करके खलोतोया हुबुल। कौन हुबुल? वड्डा बुत। फरमाया अली मेरे कंधियां ते सवार हो, मेरे कंधियां ते सवार हो। जनाबे अली आए सवार हो गए। उन्हां नाल मेरा खिताब जड़े गए काबतुल्ला देख आए किबला पे साहिब। क्या अगर एक बंदे दे मोटियां ते एक बंदा चढ़िया खड़ा होवे काबे दी छत ते पहुंच जासी? पक्की गल कोई और बैठो ही ना कि बमोल भी आप कोई उम्र करण वाला तुहाडे च बैठो वे तुसी गए कोई नहीं बैठा जी सुमरा की तो। माशाल्लाह माशाल्लाह जी अल्लाह जिन्हें नहीं की तरह मरण तो पहले एक बारी अपने घर दी हाजरी नसीब फरमाए। हाजी निगरामी तवज्जो, अगर मोटियां ते बंदा चढ़ाओ चंगे लंबियां कदां वाले उछल के ओ जिहड़ा दरवाजा है ना काबतुल्ला शरीफ दा ओदे बन किदां ही तलवी मुआठ नूं हाथ लगदा ते जड़े वेले चढ़े जनाबे अली मेरे आका दी अख दियां ते फरमाया इनू पकड़ आए हाय हाय इनू छिक तल्ले फगा इदा नामा मुका इदा सिर वंजा ओ मेरा अलिया। जड़े वेले अली चढ़े ना आका दी अख दियां ते बंदा चढ़िया होवे बंदे ते मोढे ते तां वी छत नहीं पहुंच सकदा। सरकार पुछिया अली अपन हाथ अपने ही अरज कर दे सोना खाली हत्थां दी गल न करो जे हुक्म दियो अल्लाह दे अर्श तू हाथ पावा। सवाद आया लेकिन बड़ा टाइम लग गया इतों तक आने तक। करीम जे इजाजत होवे अल्लाह दे अर्श नूं हाथ पावा। तवज्जो नाल सुनो मेरे करीम फरमाया अच्छा एड़ा उच्चा
अच्छा मैं आखिया भाई शायद ना जोश च आके नारे हैदरी मार सन, लेकिन जेडे इमरान खान के जिन्हें नारे मारे होवन अल्लाह उन्होंने जबान ते अली का नारा कि आवन दे माशाल्लाह माशाल्लाह जी जिन्हें खान खान की हो रब उन्होंने कितने हैदर हैदर कर देता तो मुबारक ने अच्छे दिन आए हैं। पेट्रोल पंप ते जाओ बंदे चक्कर चढ़ जाते भई मशीन कर दी कि इतने शे आई का नहीं 126 टप्पी पैंती तवज्जो है ना। सुनो मेरी बात जिन्हें दुनिया वाले नाल लाई उन्होंने अच्छे दिन इंजे ही आए जिन्हें रब नाल लाई बोल सुभान अल्लाह उच्चा बोल सुभान अल्लाह। आवे एक मेरा अली एक जवान इब्राहिम खलीलुल्लाह दूसरा जवान हैदर असदुल्लाह नहीं सवाद नहीं आया माशाल्लाह। वो आजकल नारे निकल आए नारे 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 भुट्टो दूजा देंगे लिए 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 भुट्टो मैं आखा ते तुसी है हैदर हैदर तुसी एक करो बोला हैदर 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 अच्छा के माशाल्लाह बच्चे का चाल है तू चाल है बादशाह पढ़ना कसीदा हक दे वली दा ओ पढ़ना कसीदा हक दे जिन्हें पढ़ना है वो हाथ चुक के बोल सक पढ़ना कसीदा हक दे पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा वो पढ़ना जाली माशाल्लाह वो पढ़ना कसीदा हक दे पढ़ना कसीदा दा ओ तुसी रल के मारो नारा माशाल्लाह माशाल्लाह ओ पढ़ना कसीदा हक दे गूंज पवे पढ़ना माशाल्लाह। तवज्जो दो भाइयो मेरे बुजुर्गो एक जवान नमरूद के घर विच खलो के पुत खिरा रहे एक जवान ने जड़ा खुदा दे घर खड़े होके आका दे कंधियां ते चढ़ के बुत गिरा रहे मेरे करीम पूछिया सुना कित्थे पहुंचे आका अर्श तक अगे सुनो आपने हाथ पाया उबुल गिराया मुंह दे बल इन्हां दा खुदा थले आया नारे तकबीर लगया अल्लाह अकबर दियां सदावां बुलंद हो गईयां अज काबा पुत्तां तो पाक होया अज उस इब्राहिम जवान वाला मिशन अली पिया पूरा कर रही माशाल्लाह। हाजी ने गरामी जिस वेले पुत तले आया कम गया हो कम गया हो मेरे अली ने मारी छाल आए जमीन पे मेरे करीम पूछिया अली बच त गया तुम समझ नहीं आई माशाल्लाह या अली तवज्जो नाल बस हुण नारे बहु हो गए बहु ला गए नारे हुण सिर्फ सुनो तवज्जो है ना तुहाडी हाजी ने गरामी सुनया है
सरकार पुछदे अली सोना बच्चा ताए सवाल हैरान कुन नहीं। अली जवान है भरपूर जवानी है ते सरकार दे मोढ़ियां ते जंप लगाया है जमीन पे आए हुजूर पुछदे अली बचता गया है क्यों इसी वजह के वे अली आप दसिया करीमा मोटे तेरियां ते चढ़िया खड़ा इतना पहुंच गया अरशां ते उत्तों जप कीते जमीन ते आए बच तगे अर्ज कर करीमा जिब्रील तोड़ान के नुकता समझावा तू अली अली की ताकर तू अली अली की ताकर तेनु हिक नुकता समझावा पढ़ दे नहीं पे उच्चा पढ़ो तेनु हिक नुकता समझावा कर तू अली अली की आकर तेनु हिक नुकता तेनु हिक नुकता समझावा तू अली अली कीता कर तेरे जहन च बात बिठावा तू अली अली कीता कर तू अली अली की ता करे तू अली अली आ सजना गुरबत विच भी मार गयो ते तुरबत विच भी आ सजना गुरबत विच भी मर गयो ते तुरबत विच भी तेनु लग सिल ठंडिया हवा तू अली अली कीता कर पढ़ो तू अली अली पढ़ो तू अली अली कर तू अली अली काफी है ठीक हो गया जजी तो जाने बस नहीं चलो आप बच्चे तेरी मान लेना तवज्जो है जी बस मैं अपनी गल मुकावन लगा मैं अपने मौजूद जनाब नु ले आया समझा दी ये बात और कुरान बोलिया जिड़े ऐ ना सरकार दे कंधियां ते हुजूर ने खुद सवार कराया फरमाया ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह क्यों मरोड़ पौंदे ने अली दे जिक्र तो क्यों ढिड्डी च पीड़ पौंदी ने ओ ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह ओए अल्लाह दा फ़ज़ल है ये अल्लाह दा केवे फ़ज़ल है पर एक गल जरूर याद रखनी है आज जेड़ा काबे दे सामने आका दे कंधियां ते सवार खड़ा है ते बुत गिरा रहे है साडा उसनू एक नहीं दो नहीं सौ नहीं हजार नहीं लख नहीं करोड़ा सलाम साडियां नस्लां ओदे बच्चियां तो कुर्बान पर जिसने हिजरत दी रात जदों गारे सौर वाली पहाड़ी आई ना करीब ते आका चढ़न लगे ते गुलाम हाथ बन के अगे बह गया करीमा कंधे हैं नहीं सोना क्यों औखे होंगे हो आओ ना ते मेरे करीम ओदे कंधियां ते सवार हो गए जड़े उमरा करके आए बैठे इन्हां को पूछो क्या गारे सौर दी पहाड़ी ते तोड़ गए है आप साहब नहीं ना मुश्किल है बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है कहीं तल्लो ही वे क्या दिन बस
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤਾਜਦਾਰ ਅੰਬੀਆ ਹੈ, 1,24,000 ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂ ਨਾਲ ਠੁਮਕਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਯਾਰ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਉੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਉਹ ਨਾ, ਇਹ ਏਡਾ ਡਾਡਾ ਦੌੜਾ ਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗਿਆ ਵਕਤ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰ ਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਸਵਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੰਗ ਵੀ ਜੱਲੇ। ਇਸ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੀ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ, ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬੋਲੋ ਉੱਚਾ, ਬੋਲੋ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰਦ, ਹਾਂ ਇੰਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰਦ। ਖਲੀਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸਮਾਈਲ, ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਅਰਾਫਿਲ ਮਨਾਮ ਹੈ ਅੰਨੀ ਅਜ਼ਮ ਹੋਕਾ ਮੈਂ ਤਕੀ ਖਾਬ ਮੈਂ ਤੈਨ ਕੇ ਕਰਦਾਂ ਸਿਬਾ ਫੰਜ਼ੁਰ ਮਾਜ਼ਾ ਤਰਾ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਦ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ, ਕਾਲਾ ਯਾ ਬਤਿਫਾਲ ਮਾਤੋ ਉਮਰ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਲਾਈ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਸਲਾਈ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਐ ਬਾਬਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤੋ ਉਮਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੋ। ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚੱਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਕਿਹੋ ਸੀ। ਫਰਮਾਵਣ ਲੱਗੇ ਸਤਾ ਜੀ ਦੁਨੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨਸਵਾ ਬਿਰੀ, ਬਾਪ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ, ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਰਤੇ ਇਸਮਾ ਪਾਰਾ, ਫਲੰਮਾ ਅਸਲਮਾ ਵਤਲਹੂ ਲਿਲ ਜਬੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਬੀਨ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਛੁਰੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਨਾ ਦੇਨਾ ਹੋ ਅਈਆ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਅਸਾਂ ਨਿਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਾਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਅਸਾਂ ਸਦ ਮਾਰੀ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਕਦ ਸਦ ਤਕ ਤਰਲੋਜਾ ਇੰਨਾ ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਨਜਜ਼ਿਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਲਲ ਐਲਾਨ, ਬਸ ਕਰ, ਤੁਸਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਬ ਸੱਚਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਨਾ ਬੇਟਾ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਬਾਪ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਬੇਟਾ ਰੋਇਆ, ਨਾ ਬਾਪ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਕੰਮੇ। ਅਗਲੇ ਦਾੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਉਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਾਣੀ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਅਫਜ਼ਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਸਮਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਉੱਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਕਈ ਬੇਟੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਡੰਡੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੱਦੁਲ ਅੰਬੀਆ। ਸਿਰਫ 90 ਜਾਂ 95 ਦਾ ਫਿਗਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਖਲੀਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। 1,24,000 ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਤਫਰੀਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਖਲੀਲ ਦੀ ਔਲਾਦ।
اور حضور جدل حضور دے وڈے دادا جدل انبیاء اور سونا حسین پتر کوئے حسین بیٹے کوہائے خلیل پتہ ہی کون ہے جڑا رب دے رضا علی چھری اپنے ہاتھ چ لے کے اپنے بیٹے دے سر رو گیا بولے سبحان اللہ جی سمجھ آئی تھا اس واسطے نا ایسے تو بچو خدا را سن کے تے اگے بندہ بیان کر پے آج بڑی روشنی ہے اس وقت تے میری گل تے توجہ دیو اے کوئی سوکھا کام نہیں عالم ارواندر جناب خلیل چھری لے کے گئے عالم ارواح دیا روح بولیاں مولا مہربانی کر اج اگر اسماعیل سبا ہو گیا کون کل پتر اپنے ہاتھ نال سبا کرے سی یہ جے بننی ہے سنت کون کرے سی سبا رب العالمین فرمایا مت ہے کوئی جیڑا اسماعیل دی جگہ تے قربانی دے وے خاموشی چھا گئی رب فرمایا دوبارہ چھری لے جا دوبارہ چھری آئی روحاں پھر بولیاں مولا کون کر پتر اپنے ہاتھ نال ذبح کرے سی آواز آئی رک جا چھری کٹے نہیں ایک وال بھی نہ کٹے حاضی نے گرامی فرمایا دیو قربانی اسماعیل دی جگہ تے تین واری چھری گئی تین واری روح بولیاں رب فرمایا دیو قربانی اسماعیل دی جگہ تے کوئی نہ بولیا چوتھی وار آئی روح بولیاں رب فرمایا دیو کوئی قربانی اللہ دی قسم میرے کالی کملی والے آقا فرمایا مالکا اسماعیل بچا لے میں اسماعیل نالو بڑے حسین دی قربانی حاضی نے گرامی مردان دے پتر مرد بولیے مردان دے پتر مرد ہویا کرنے ابراہیم دا بیٹا اسماعیل شیطان بھی آیا ورغل آیا او بچے باپ تین کومن لگے تین مارن لگے چھڑا خواب لے کے اس چاہے سات کنکر اوے چاہ لینا دفع ہو جا کیوں فرمان لگے رضا ماتے جو راضی نے دعا دی ضرورت کی یہ بھی جی ایک سید کلام ہے گلزار حسین شاہ صابری کلس شریف والے رضا ماتے جو راضی نے دعا بچیوں ابیر بال جڑے درس وچ پڑھدے ہو تسی تو پڑھو جا رضا تے جو راضی نے دعا دی ضرورت کی ان شیر مصرا ذہن تے رکھو میں اپنی گل مکا کے دے وقت پڑھساں توجہ ہے نا مردان دے پتر مرد بولیے مردان دے پتر مرد حاضرین گرامی علی مرد شاہ مردان شیر یزدان یزدان قوت پروردگار لافتا
کوئی نہیں سمجھے، اللہ دی قسم نہیں سمجھے. لا فتح الا علی، علی علی لا فتح الا علی 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 لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. زمانہ بھی ہوندا نے لا فتح الا علی، علی تو وکھرا مرد بھی کوئی. یہ شعر کسے میں لکھنے والے شاہ لکھیا، توجہ ہے نا، مردان دے پتر بھی مرد. خیبر نہیں فتح ہو رہا، سرکار فرمایا سویرے جھنڈا انہوں دیسا جدے ہاتھ تے میرا رب فتح تا کر سی. سویر ہوئی سرکار فرمایا علی تسی تھوڑی چپ رکھو، بولے ہیں بندہ تھک ویندا. ساڑیاں تا رگ ہوں دیاں لوئے دیاں ہیں جی، تسی چپ رکھو. علی بلایا گیا، اکھاں خراب، سرکار نے لواب لگایا. ٹھیک، فرمایا ہے پکڑ جھنڈا، آج انہا پورے لشکر چو جوان جانے جس نے مرحب دا مقابلہ کر. تو جلے اپنی ڈھال ہون تو تکہ جینے اور تو گول ڈھالان دی تو سمجھ لگ گئی اس نے، او جڑی اتے گول جائی وار اس کی طرح، تو آپ نے اپنی ڈھال تے وار ڈکیا تے آپ دی ڈھال جڑی نا او دو لخت ہو گئی. علی وط علی آئی کلے دا دروازہ ڈھال بنا کے چال پچھے جڑے جنگ گئی نا موک تے صحابہ رلے کٹھے ہوئے انہاں کا چاوی ہے تے بھائی جی کوئی نہ چویا انہاں کا لیے کہ توں چا انہاں کا لوگو وقت ہو رہی. او بولو سبحان اللہ. تے کلا علی خیبر دے میدان وچ اس کیا انہاں دا جڑا استاد آئی نا اس انہوں سمجھایا ہی بس زندگی چ نہ کسے نکے کا جوان نال نہ لڑائی کرے. نکے قد والے جوان نال نہ زندگی چ لڑائی نہ کرے. اس تکیا نا اس کو جا جا میں نکے قد والے بندے نال لڑائی نہیں کردا، کوئی وڈے قد والا بھیج. فرمایا کہ نہ آئی جانے مرحب. فرمایا میری نام میری والدہ میرا نام حیدر رکھے ہی حیدر تے میرا سونا میں نسد اللہ صدی اللہ دا شیر توں پہلے میرا مقابلہ تا کر وات باقی گلنا دو جوار تا بات علی دا نہ پچا سکیا. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سنو مردان دے بچے مرد، علی دی گود چ پلیا حسین، علی دی گود چ پلیا حسین تے حسین وی مرد. بول حسین وی، اور خدا دی قسم چا کے آدیں کربلا دی، کربلا بھی ہک حسین بھی ہک، نہ بد کوئی کائنات تے کربلا ہونی ہے تے نہ کوئی کائنات تے دوسرا حسین ہونی. اور جس مردانگی نال اپنے بچنے دی قربانی میرا حسین دے گئے، کوئی ہے مائی دلال ایسا؟ بولو نا. ہاں جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. اور جس نے نکل دیوار اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرمایا، آج تا آپ دا نام چاہ کے نا تے رومن رومامن دے انتظام ہوندے. میں تانی گل اج دس دیاں، اگر علی مردے اور شیر جوان ہے
अली दे बेटे भी मर्द ते शेर जवान ते याद रखें ज़ैनब दी रगां विच भी उसे अली दा खून है। नेट से जाओ यूट्यूब मेरा नाम लिख के मौजू लिखना सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खान एचडी इन्हां दा चैनल है उसते मेरा बयान पे है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह नूं सुनो तुहाड़ियां अखां खुल जा सन कि सैयदा ज़ैनब कौन है। और मैं बोल के आता अक्सर जवानों में नसीहत करना ज्यादा ना मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाओ क्यों तुसी जवानी च मर गए ना ते तेरे बाप ते तेरी मां हर रोज मरना ते हर रोज जीवना कदी तेरे कपड़े तक के कदी तेरी जुत्ती तक के कदी तेरी कोई शय तेरी कोई निशानी तक के मरण आले मर वेंदे सकिंद लगदा मौत पिछले जिंदगी भर रोंदे मरदे ते जींदे खुदा दी कसम चा के आदा कुर्बानी अली असगर दी भी बड़ी कुर्बानी अली अकबर की भी बड़ी कुर्बानी आनो मुहम्मद की भी बड़ी पर सैयदा तेरी कुर्बानी नु लखां ते करोड़ां सलाम जड़ी कूफे दे दरबार च कड़क के बोली उदा ना ही सैयदा ज़ैन जड़ी यज़ीद दे दरबार च कड़क के बोली उदा ना ही सैयदा ज़ैन जड़े ले यज़ीद अग्गा होया इमाम ज़ैनुल आबिदीन नाई आए हाय हाय अली दी शहजादी थी तलवार काट ली फरमाया हुन बोल जा ओए बोलो सुभान अल्लाह फरमाया हुन बोल जा ए तेरी खाक ख्याली है कि सज्जाद नु मैं कुछ होवर दे सा इम्तिहान आला वक्त उठे गुजर गई करबला गुजर चुका है हुन नेड़े ना लगे आदम इंज लगदा है जिवें शेर पे गजदा है शेर इथाई ता अल्लामा इकबाल बोले दास्ताने इश्क हर दो मकाम यके करबला वदी गरे दमिश्क एक करबला दे विच हुसैन लिखेंदा रहे होई दूजी दास्तान दमिश्क दे बाजारा विच सैयदा ज़ैनब लिखेंदी रहे गई और आपने नसीहत की थी फरमाया मेरी बहन लाज न लगे खून देख ओनो मुहम्मद अली असगर अली अकबर अब्बास कासिम सारे कीवे जमा मर्दी नाल कुर्बानियां दे गए रोमना नहीं मेरी भेण तेरे सामने लाशा होसन सब कुछ उसी जमाने दे जुल्म और सितम होसन यजीद दा दरबार होसी सब कुछ होसी मेरी भेण रोमे नहीं खुदा दी कसम मैं आखन दे के अली दे घराने दी जिहड़ी औरतन नहीं ओ इस जमाने दे मर्दां तो भी अफजल हैं ये मैं आखन दे क्यों कि उस मर्द दी बेटियां आप पैदा हुई ना ते हुजूर सफर ते आए ते जनाबे अली नु घर आला बुलाया ते फरमाया कि इदा ना रखो फरमाया ओ मेरे घर वालो ओ कदी मैं पहले हुजूर तो बकरा कोई काम कीता जे आज मैं इदा ना रखा आका आए हुजूर जो दरवाजे वड़े ता मेरे करीब ने मुबारक दिती फरमाया अली फातिमा मुबारक ने आज रहमत तुहाडे घर आ गई ते मेरे करीम ने घुट्टी लगा के फरमाया इदा नाम ज़ैनब रखो जे मैं जिब्रील दस गया इदा अर्शां दा नाम ज़ैनब तो मर्दां दे घर मर्द होंदे ने मर्दां दे घर इस वास्ते हुक्म है गुट्टी बच्चे दा हक है ते गुट्टी किसे मर्द कोलो लवाओ साहिबे दर्द कोलो लवाओ ए नहीं जेड़ा बंदूकड़ियां चा के टुरदा ओ ला जाए नहीं नहीं उस कोल नहीं वो किसे अल्लाह वाले कोल लवा किसे साहिब दर्द कोल लवा वो किसे मर्द कोल गुट्टी लवा वड्डा होके मर्द बने इदे अंदर भी दर्द होवे ये भी रब नू याद करे ये भी हुसैन दे नक्शे कदम ते चले कि गले ते छुरी चलदी पई है ते रब दा जिक्र जा रही है हुण मैं थाई चा पुछा ना कितने इशा दी नमाज पढ़ के बिच बैठे हो तो मर्दा का पता इतना ही लग वैसे ना भी सवेर आली कौन कौन पड़सी वो तो पता नहीं तुने साहब ही हैं कि नहीं ना जी सवेर तई कै जागने तो कै जीवने तो के होवने तो के नहीं होना इतना ही पूछ लीए ना बे कि नमाज पढ़ के महफल पे सुन दे पता इतना ही लग पैना असी सदैन दे हुसैन ही हाँ कम साढ़े यजीद आले अल्लाह की कसम इस दौर का सब तो वड्डा मसला यह है कि हुसैनी कहलाने कम यजीद आलन
क्या असीं हर रोज कुरान की तिलावत करते हैं अपने घर के अंदर? क्या साड़ियां मावां भैणां बच्चों दुध देवन लगियां पढ़दियां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? क्या कुरान की लोरी दी जाती है? नहीं, टीवी ला के कार्टून ला दो या मोबाइल से गाना ला के बच्चे के कोल रख दो। जिहड़े वेले तू इहो जिहे ते इन्हां दी तरबीयत करदा ते तू समझदा कि वड्डे होके मर्द बन सन, ओ नहीं, ये मर्द नहीं हो बनने, ये दर दर दे धक्के खावण वाले बन सन। आ इन्हां किस्से मेरे मौला अली दे सुणा, इन्हां कहानियां मेरे हुसैन दी दास्तान दी सुणा, जुर्रत बहादुरी दी सुणा, ताकि इन्हां दे विच वी मर्दानगी आ, इन्हें पता चले कि इलाए कलिमतुल हक वे, इन्हें पता चले कि जाबिर सुल्तान के सामने खड़े होके सीना तान के कलमे कि पढ़ी देन, इन्हें पता चले इन्हें हुसैन की कहानी सुना। हाजी ने मोहतरम, मेरा एक पैगाम आई जिहड़ा मैं जनाब को देना चाहता, सुनो। शाह जी दुनिया तो चले गए, चलो इतना तो कर गए कि उन्होंने बेटा अज मर्दा काम तो करता। हाँ जी, अल्लाह की जिंदगी सलामत रखे, अल्लाह जवानी सलामत रखे, अल्लाह इस खानदान की आन बान शान सलामत रखे। इतने महफिल कह शुरू की थी तो यारो चलो वजह यह बंदा बनना, ठीक है चंदा तुसी भी देंदे हो सो, पर यह होकर ना दे चंदा भी नहीं देंदे, इंजे ना इंतजाम कर दें, और इंतजाम करन तो बाद फिर इत्थे महफिल पाक सजदी है, रब दा नाम चवींदा, कुरान पढ़ींदा, तिलावत कलामे मजीद फुरकाने हमीद हुंदी है, रब दा जिक्र हुंदा, रब दी याद दा जिक्र हुंदा, तो क्या इस जणे सवाब नहीं मिलता? आओ अर्ज करदा, गुजारिश करदा, मिन्नत करदा, ओ वीर बल शरीफ वालो, मैं ओ मेरे पितरेर मसेर मलवेर अल्लाह दी इज्जत दी कसम खुदा दे घर बह के प्यादा है, अज भी छेड़ा नाल छेड़ देन ते पहाड़ा ते खलो के बैंसरियां मजान देन। उससे खानदान दा एक फर्द मैं हाँ जिहड़ा रात मिंबर रसूल ते बह के रसूल अल्लाह दे नां दे होके देना, लोग मैं इज्जत दें देन। अगर पहाड़ा चो जंगल चो उठ के असी इत्थे आवीए ते इत्थों इतना कुछ लै जावीए ते वीर बाला लो तुसी कोल बह के अंधेरे च रह जाओ। सलाह आम है यारान नुक्तादान के लिए, वमा अलैया इल्ला अल बलाग।